आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द रेशियो बिटवीन एज ऑफ राम एंड मोहन इज 4:5। ठीक है, तो राम और मोहन के एज का रेशियो क्या है यहाँ पे, 4:5 ये गिवन है। एंड डेट ऑफ बिटवीन एजेज ऑफ राम एंड अनिल इज 5:6। और राम और अनिल के एज का रेशियो क्या गिवन है यहाँ पे, 5:6। इफ द सम ऑफ एजेज ऑफ 3 इज, तीनों के एज का सम क्या है, 69, देन वॉट इज द मोहन्स एज। ठीक है, तो वॉट इज द मोहन्स एज, यहाँ से अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से अगर अपन इनके वैल्यू देखेंगे, तो राम और मोहन के एज का रेशियो, ठीक है, तो क्या गिवन है यहाँ पे, राम अपॉन में क्या गिवन है यहाँ पे, मोहन, इनके एज का रेशियो क्या है यहाँ पे, 4:5। ठीक है, राम अपॉन में मोहन के एज का रेशियो क्या है, 4:5। और यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो राम अपॉन में, यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे, तो राम अपॉन में अनिल के एज का जो रेशियो है, राम अपॉन में अनिल के एज का जो रेशियो है, ये क्या गिवन है यहाँ पे, ये गिवन है राम अपॉन अनिल के एज का जो रेशियो गिवन है, ये गिवन है 5:6। ये क्या गिवन है यहाँ पे, 5:6, 5/6। तो यहाँ के लिए अगर मैं रेशियो कॉन्स्टेंट, यहाँ पे रेशियो कॉन्स्टेंट मैं क्या बोल देता हूँ, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ के लिए मैं रेशियो कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो अब डिफरेंट रेशियो कॉन्स्टेंट लेना होगा, एक्स बोल देता हूँ, और यहाँ के लिए मैं रेशियो कॉन्स्टेंट क्या बोल देता हूँ, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेशियो कॉन्स्टेंट क्या बोल देता हूँ, वाई। ठीक है, तो ये इसके रेशियो कॉन्स्टेंट आ गए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे एज ऑफ राम क्या आ गया, एज ऑफ राम आ जाएगा यहाँ पे 4x आ जाएगा, और एज ऑफ मोहन क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज ऑफ मोहन आ जाएगा यहाँ पे 5x आ जाएगा। ठीक है, एज ऑफ मोहन क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन एज ऑफ राम बोलेंगे, ठीक है, तो राम के लिए एज क्या आ जाएगा, एज ऑफ राम अगर अपन बोलेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5y। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे 5y, और एज ऑफ अनिल क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज ऑफ अनिल क्या आ जाएगा यहाँ पे, एज ऑफ अनिल इसने बोला है, ये यहाँ पे 6y आ जाएगा। ठीक है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग एज आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये सेम टाइम पे, अगर ये सेम टाइम पे राम की एज 4x है, ठीक है, सेम टाइम पे राम के लिए एज क्या है 4x, और सेम टाइम पे राम के लिए एज क्या है 5y, तो अगर एक ही पर्सन के राम के लिए अपन सेम टाइम पे एज देख रहे हैं, तो ये दोनों एज इक्वल होना चाहिए, इनके एज क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो मीन्स 4x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 5y के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 4x की जो वैल्यू है वो 5y के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, एक्स की वैल्यू 5/4 टाइम्स में वाई, तो ये एक्स और वाई रेशियो कॉन्स्टेंट में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि राम की एज, मोहन का एज और अनिल की एज का सम क्या है, 69। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बन जाए, राम के एज, राम का एज क्या है 4x प्लस में मोहन का एज क्या है यहाँ पे 5x प्लस में अनिल का एज क्या है यहाँ पे 6y, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू 69 है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 69। अब अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, 4x क्या था राम का एज, 5x क्या था मोहन का एज, और 6y क्या था अनिल का एज। ठीक है, तो अब x और y में ये गिवन था, तो इसका ये सम क्या था यहाँ पे 69, इसके लिए एज का सम क्या था 69। तो अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते, ये क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे 9x प्लस में 6y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 69। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, अपने को कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, अगर अपन देखें तो इसने मोहन के एज को पूछा, ठीक है, मोहन के एज को पूछा मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है, मोहन के एज को पूछा है मीन्स एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मोहन का एज क्या है 5x, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो वाई को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से वाई को रिप्लेस करना चाहूँगा, तो 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5y, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाई की वैल्यू को बोल लिख सकते हैं यहाँ पे 4x अपॉन में 5, तो वाई की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो ये जगह पे 9x प्लस में 6 इंटू में वाई क्या है, वाई गिवन यहाँ पे 4x अपॉन में 5, दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 69। ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, अब अपन इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह जगह पे 45x, ये आ जाएगा पे 45x प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 24, ये आ गया 45x प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 24x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 69, दिस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 69। ये सिंपल सा यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, ये क्या यहाँ पे, ये अगर 69x इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगा पे 69 इंटू में 5, तो x की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, x के लिए वैल्यू आ गया यहाँ पे 5। तो अगर x की वैल्यू 5 आ गया, तो x रेशियो कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग जो मोहन का एज है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5x, विच मीन्स 25, तो मोहन का एज क्या था 5x, विच मीन्स 25, तो मोहन का एज आ गया 25, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।